वेलकम बैक टू माई ट्यूब पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में देखेंगे जो भी छात्र, आपको ये पता होगा कि जो MJPRE रोहतखंड यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी अपडेट है, आप देख सकते हैं। मैं आपको पूरी अपडेट दिखाने वाला हूँ, लास्ट तक वीडियो में रहना है। यहाँ बात करने वाला है प्राइवेट फॉर्म को लेकर। आप बहुत ज्यादा चिंता में है कि प्राइवेट फॉर्म कब आएंगे, तो बेटा 20 अप्रैल के बाद हम कह सकते हैं कि आपके जो 20 अप्रैल के बाद ही आपके क्या है, जो प्राइवेट फॉर्म है, जो ठीक है छात्र जो भरना चाहते हैं प्राइवेट, जो अपने BA BSc BCom या MA MA SC MCom कर रहे हैं, तो उनके लिए उम्मीद जताई जा रही है कि 20 अप्रैल के बाद फॉर्म होंगे। मतलब क्लियर नहीं हुआ है, एक अपडेट आई है जो आपको नोटिफिकेशन में आपको सामने दिखा रहा हूं। एक ये पेज की कटिंग है और यहां सिंपली बोला गया है यूजी पीजी के जो कह सकते हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर की जो प्रक्रिया है पूरी होने के बाद ही फॉर्म भरे जाएंगे। मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर की जब पूरी परीक्षाएं हो जाएंगी उसके बाद ही इस फॉर्म को फिल किया जाएगा, यह बोला गया है। और साथ ही साथ यहां बोला गया है महात्मा, देखो यदि मैं यहाँ आपको बोला जाए महात्मा गांधी ज्योति फुले रोहतखंड यूनिवर्सिटी बरेली के हिसाब से बोला गया है कि पहले सप्ताह में ही यहाँ रखा है, लेकिन अभी तक कोई प्रायस्नातक मतलब कि यूजी पीजी के सेमेस्टर के फॉर्म ही भरे जा रहे हैं। उम्मीद ठीक है, अनुमान लगाया जा सकता है कि 20 अप्रैल के बाद ही परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे, मतलब कि आपको प्राइवेट फॉर्म भरे जाएंगे और विश्वविद्यालय के रोल जल्द ही फॉर्म जारी करेगा, ये बोला गया है। और यहाँ जो बोला है नई शिक्षा नीति के अनुसार उनके कारण जो है अब, लेकिन इस बार क्या होगा कि विश्वविद्यालय जो नफार किया गया, मतलब पता नहीं क्या जो भी है फालतू की चीजें यहाँ देखा जाए, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके बोल देता हूं। मैं जो इसमें क्या बोला गया है, इसमें यह बोला गया है कि 20 अप्रैल के बाद में आपके परीक्षा फॉर्म आएंगे, मतलब जो कह सकते हैं यूनिवर्सिटी फॉर्म भी जो आपका प्राइवेट फॉर्म होता है वही भरा जाएगा, एक्स फॉर्म उतने टाइम भरा जाएगा, आपको कोई चिंता नहीं है 20 अप्रैल के बाद लगभग में, ये बोला गया है। और यहां कह रहा है कि 2 लाख से जो अधिक छात्र हैं वो क्या करते हैं प्राइवेट फॉर्म द्वारा ही अपनी BA BSc BCom MA MA SC MCom करते हैं, जो अभी रेगुलर चल रही है उन लोगों की प्राइवेट तौर पर। तो ये सब कुछ यहाँ बोला गया है, लेकिन फालतू कुछ यहाँ है नहीं, लेकिन यहाँ बस इतना देखना है जो ज़्यादा परेशान कुछ छात्र ये कह रहे हैं कि पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, तो बेटा प्राइवेट फॉर्म आना निश्चित है, ये तो आएंगे, ये कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जिसका सेकेंड ईयर है ठीक है और उसे थर्ड ईयर करना ही करना पड़ेगा, जिसका फर्स्ट ईयर था उसका सेकेंड ईयर करना ही करना है ठीक है। तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वालों के दोनों के भरे जाएंगे, आप अपना जैसे ही आए तुरंत आपको भर देना है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचेगा आपके लिए, क्योंकि पेपर भी बहुत जल्दी ही हो जाएंगे, तो आप अपनी तैयारी को पूरा बरकरार रखना है। और बाकी जो हम आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन देते हैं वही आपको पढ़ना है, बाकी कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, 85% वहां से प्लस आपको देखने को मिलेगा, जो हम आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे वही पढ़ना है, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे नोटिफिकेशन पाने के लिए, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए पेपर हैकर को अभी सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।